स्कूल्स आर ओपनिंग, यस फाइनली स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं। अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारी मॉम एंशियस होंगे इस चेयर को लेके, तो आइए आज ऐसे 5 टिप्स के बारे में, प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात करें जो आपकी एंशियसनेस को ओवरकम करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्व योर किड इन शॉपिंग। यस, बच्चे को पूरी उसकी स्कूल की शॉपिंग में इन्वॉल्व कीजिए। स्कूल बैग खरीदने से लेकर के यूनिफॉर्म और लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें या तो उसके साथ जाकर के खरीदिए या ऑनलाइन शॉपिंग में उसको इंक्लूड कीजिए। उसकी चॉइस पूछिए और फिर ऑर्डर करिए। इससे बच्चे में स्कूल जाने की एक जो एक्साइटमेंट रहेगी वो और बढ़ जाएगी, वो और बहुत ही दिल से स्कूल जाना चाहेगा। सेकेंड पॉइंट इज विजिट द स्कूल मल्टीपल टाइम्स। बच्चे के फर्स्ट डे से पहले या बच्चा बहुत टाइम बाद अगर फर्स्ट डे स्कूल जा रहा है तो उससे पहले बच्चे को कई बार स्कूल में विजिट कराएं, ताकि उसको वो पहला दिन वाला फीलिंग ना आए कि हाँ मैं बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ या मैं पहली बार जा रहा हूँ तो मुझे डर लगना चाहिए। वो फीलिंग उसको नहीं आनी चाहिए। इसलिए जब आप एडमिशन कराने जा रहे हो, जब आप इंक्वायरी करने जा रहे हो, तो अपने बच्चे को साथ लेकर जाइए ताकि वो इस स्कूल के एनवायरनमेंट से फेमिलियर रहे। थर्ड पॉइंट इज कीप योर किड एंथुजियास्टिक एंड डू नॉट शो योर एंजाइटी। जब आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हों तो आप अपनी एंजाइटी उनके सामने मत शो करिए, या आपका जो सैडनेस है कि ये मेरे से दूर जा रहा है, ये चीज़ मत शो करिए। उसके सामने एक बहुत ही एक्साइटेड एनवायरनमेंट, एक हैप्पी एनवायरनमेंट बनाइए कि बेटा आज तुम स्कूल जा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बेटा आज तुम जाओ और मुझे बताना आज तुम्हारे स्कूल में क्या क्या हुआ है। अगर आप अपनी एंजाइटी शो करेंगे तो बच्चे को भी डर लगेगा कि मेरे साथ कुछ होने वाला तो नहीं है, ही विल ऑल्सो गेट वरिड। फोर्थ पॉइंट इज मेक योर किड एक्साइटेड फॉर लंच एट स्कूल। आप उससे सुबह में पूछिए या एक दिन पहले ही पूछिए, बेटा आपको कल क्या लेके जाना है, तो वो बताएगा चॉकलेट या पेस्ट्री या पॉपकॉर्न या मखाना, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो एक्साइटमेंट रहेगी उसको डेली टिफिन चूज करने के लिए, प्लस जब वो स्कूल जा कर के लंच का वेट करेगा, तो ये उसके स्कूल की जर्नी को बहुत ही स्मूथ बनाएगा और एक्साइटेड बनाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज टॉक टू योर किड्स टीचर। जब आप उससे बात करेंगे तो आपका एक कंफर्ट लेवल इंक्रीज होगा, आप खुद कंफर्टेबल हो जाएंगे, प्लस आपको आपके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में भी पता चलेगा कि वो किस टाइप की एक्टिविटीज़ को इन्जॉय करता है या किस टाइप की एक्टिविटीज़ उसको नहीं पसंद है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसके अंदर वो डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो ये 5 प्रिपरेशन टिप्स अगर आप यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में तो आपका वर्क बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि मेरा वारण्या को लेकर के वर्क बहुत ईजी हो गया है, मैं इन सारे टिप्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।